इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट यह है कि आजीकर करप्शन केस में ईडी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और संदीप घोष के पिता के घर पर भी छापेमारी की खबर मिल रही है। कोलकाता कांड पर इस वक्त ईडी का एक्शन सामने आ रहा है, कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की खबर। और बड़ी बात यह है कि संदीप घोष के पिताजी का भी मकान इसमें शामिल है, जहां ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी चल रही है। कई केसेस में से एक है वित्तीय अनियमितताओं का मामला, इसे लेकर के ईडी छानबीन लगातार कर रही है। इससे पहले भी रेड पड़ी थी और अब आज ये खबर मिल रही है कि कई लोकेशन पर एक साथ ईडी की टीम पहुंची है और रेड चल रही है। ईडी दस्तावेज ढूंढने की कोशिश कर रही है, डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो दस्तावेज जो संदीप घोष से जुड़े हैं वो कहां कहां हो सकते हैं, इन्हें खंगाला जा रहा है। इसीलिए आज की सुबह से ही ईडी की छापेमारी का ये एक्शन शुरू हो चुका है। कोलकाता समेत कई ऐसे ठिकाने हैं जिसे मार्क किया है ईडी ने और वहां पर पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और बाकायदा छानबीन चल रही है। इस पर यह देखना होगा कि ईडी की टीम ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चीजों को कनेक्ट करने के बाद आज किन किन लोकेशंस को छापेमारी के लिए सेलेक्ट किया है, कहां कहां टीमें पहुंची हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप घोष के पिता के घर पर भी छापेमारी चल रही है। ज्यादा डिटेल के लिए हम मनोज्ञा का रुख करेंगे, वो कनेक्ट है। मनोज्ञा बताइए, कहां कहां छापेमारी की खबर मिल रही है? देखिए, छापेमारी ईडी द्वारा चलाई जा रही है और उसके साथ साथ इस समय संदीप घोष के घर पर, उनके पैतृक मकान पर और उसके साथ साथ चंदन लोहार, जिन्हें उसका घनिष्ठ माना जाता है और उनके करीबी माना जाता है, उनके घर पर भी इस समय ईडी की रेड चल रही है। करीब 5 से 6 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इस समय रेड चल रही है, जानकारी लेने की कोशिश। पैतृक मकान पर जाना इसलिए जरूरी हो जाता है, कई बार जाने की कोशिश करती है सीबीआई और ईडी खासतौर से, कि किस तरह से वित्तीय अनियमितता है, जिसके कोलकाता और कोलकाता के आसपास के इलाकों में भी, जरूरी नहीं है कि ये सारे कोलकाता में ही हो, कुछ हुगली में है, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में भी है। इन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।